गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. इन मैथ्स स्टैंडर्ड थर्ड चैप्टर नंबर 10. इन लास्ट लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस मेजरिंग लाइन सेगमेंट एंड ड्रॉइंग लाइन सेगमेंट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 3. नाउ लुक एट फर्स्ट क्वेश्चन. मेजरिंग द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ अ रूलर. राइट, आपको नीचे जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके ऑलरेडी दिया है उसका आपको स्केल से माप लेना है और उसका कितने इंचीज कितने सेंटीमीटर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है. राइट, तो पहले तो हम याद कर लेते थे क्या करना है. पहले तो ऑलवेज स्टार्ट हम ज़ीरो पे रखेंगे. राइट, फर्स्ट पॉइंट होगा वो ज़ीरो पे और नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पे होगा वो हमारा एक्चुअल माप होगा. राइट, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. देन सेंटीमीटर से हम माप लेंगे क्योंकि वहाँ पे हमारा माप अभी छोटा होता है. तो लेट अस स्टार्ट. आपको यहाँ पे एम एन दिया है लाइन सेगमेंट और नीचे एम एन लाइन सेगमेंट की साइन करके आपको अब पूछा है कि ये कितना सेंटीमीटर है. तो आपको याद है स्केल में ये सेंटीमीटर का हमें माप लेना है, इस साइड का नहीं. राइट, तो ये ज़ीरो जहाँ पे है वहाँ से हमारा फर्स्ट पॉइंट रखेंगे. राइट, और ये एन तक कितने पॉइंट पे ये आया, क्या लिखा है यहाँ पे, वन से ज़ीरो से 5 सेंटीमीटर. तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 5. देख लो हमने कैसे रखी है स्केल. ये ज़ीरो है वो 1 पॉइंट M पे है और ये 5 कौन से पॉइंट पे आया, यस N पे 5 आया. तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 5. सो राइट हियर एम एन इज 5 सेंटीमीटर. राइट, समझ में आया मैंने कैसे माप लिया. नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट वन. पी एंड क्यू दिया है, देन लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल्स टू ब्लैंक सेंटीमीटर. राइट, ऐसे लाइन दिए तो भी हमें तो लाइन लेनी है. तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, पी. तो पी पे हम कौन सी रखेंगे, हम ज़ीरो वाला. और क्यू पे देखते कि कौन सा आया, देखो कौन सा आया पी क्यू पे, यस क्या आया, कौन सा नंबर है क्यू पे, 6 सेंटीमीटर. सो राइट हियर 6. समझ में आया मैंने माप कैसे लिया. फर्स्ट पॉइंट जो हो वहाँ पे ज़ीरो पे रखना है और फिर नेक्स्ट जो पॉइंट हो वहाँ पे जो डिजिट आए वो एक्चुअल हमारा माप होता है. राइट, सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने माप कैसे लिखते हैं, कैसे मेजरिंग लेते हैं वो सीखा. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. मेजरिंग द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द गिवन फिगर. आपको ये दिख रहा है, ये पूरा फिगर दिया है आपको, उसकी ईच ईच साइड मतलब एक एक साइड का माप लेना है और कितने होता है माप वो आपको लिखना है. यहाँ पे देखो ए बी का पूछा है, देन बी सी का, सी डी का एंड डी ए का. तो पहले फर्स्ट क्या पूछा है, ए बी. तो ए और बी यहाँ पे है तो स्टार्ट कहाँ से होगा, ए पे हम ज़ीरो रखेंगे और बी पे राइट. चलो बी पे कौन सा माप आया, कौन सा नंबर लिखा है, यस 0 to 5. सो ए बी का माप क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर. सो राइट ये 5. अब कौन सा पूछा है, बी टू सी. तो बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे, तो स्ट्रेट लाइन है. तो पहले B से हम 0 पे रखेंगे और C तक कौन कितने सेंटीमीटर आपको दिख रहे हैं, यस 4 सेंटीमीटर. तो बी सी कितने माप का है, 4. सो राइट ये 4. अब क्या पूछा है, C टू D. अब C है उसके पास जाएंगे, C से D का माप लेंगे. तो हमें पता है कि C से हमें 0 रखना है और D पे देखना है कि कितना सेंटीमीटर आया है. देखो यहाँ पे कितने हैं, 7. तो 0 to 7. तो सी डी का माप क्या होगा, 7. और नेक्स्ट डी टू ए, मतलब डी फर्स्ट पॉइंट है और डी से ए तक जाना है. राइट, तो डी पे हम 0 पे रखेंगे और ए पे कितना है सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे, चलो दिख रहा है, डी पे 0 है और ए पे क्या लिखा है, 6 सेंटीमीटर. सो डी से ए का माप क्या होगा, 6. तो ए से बी का माप 5, बी से सी का 4, सी से डी का 7 और डी से ए का 6. राइट,
तो ये आपको पता चल गया ये पूरे फिगर का माप क्या है। जो फर्स्ट डिजिट फर्स्ट लेटर लिखा है वहाँ पे हमें ज़ीरो पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे ए से बी लिखा है तो ए पे ज़ीरो पे जाएगा, नीचे बी से सी लिखा है तो बी पे ज़ीरो पे जाएगा, राइट। नीचे सी से डी लिखा है तो सी ज़ीरो पे जाएगा, और डी से ए पूछा है इसलिए डी पे ज़ीरो जाएगा। समझ में आया, राइट। सो दिस इज़ फर्स्ट नंबर ए। नाउ नेक्स्ट वन नंबर बी। चलो बी में ट्राइंगल है और आपको बाजू में पूछा है एक्स वाई देन वाई जेड एंड जेड एक्स, राइट। तो पहले हम एक्स वाई फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स वाई है सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्स टू वाई। तो पहले एक्स पे हम जीरो पे रखेंगे और वाई पे क्या आया, यस थ्री आया। सो राइट ईयर एक्स और वाई का माप क्या है, 3 सेंटीमीटर। सो राइट ईयर 3। नेक्स्ट वाई टू जेड, मतलब वाई पे ज़ीरो रखना है और जेड पे एंड पॉइंट हमें देखना है क्या आया, दिख रहा है वाई टू जेड नंबर 6 आया। सो राइट ईयर 6 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट जेड टू एक्स, सो जेड टू एक्स जेड पे ज़ीरो और एक्स पे कितने आए, 5। सो राइट ईयर 5। तो ये ट्रायंगल का माप x से y पे 3 है, y से z पे 6 सेंटीमीटर है एंड z टू x 5 सेंटीमीटर है, राइट। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ये दोनों क्वेश्चन आपको ड्रॉ करके ऐसे ही CW में लिखने होंगे, राइट। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन मैथ्स स्टैंडर्ड 3rd चैप्टर नंबर 10, इन लास्ट लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस द एक्सरसाइज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। सो नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन 3 इज ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन लेंथ इन योर नोटबुक, राइट। आपको जो लाइन सेगमेंट दी है उसका माप दिया है, आपको वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, राइट। हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में सीखा था कि हम ड्रॉ कैसे करेंगे लाइन। सो लेट अस स्टार्ट। ए बी लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कैसे करनी है, राइट। तो फर्स्ट आपको स्केल ले लेनी है, राइट। स्केल पे हम ऐसे रखेंगे। मैंने आपको बोला था कि स्केल जब भी आपके पास हो आपको पॉइंट फर्स्ट ऑलवेज ज़ीरो से ही स्टार्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको 8 सेंटीमीटर बोला है तो फर्स्ट पॉइंट हम ज़ीरो पे करेंगे और सेकेंड पॉइंट हम 8 पे करेंगे। आपकी स्केल पे 8 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे पहले तो हम दो डॉट बना देंगे, एक 0 पे और दूसरा 8 पे। क्यों? क्योंकि हमें 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, राइट। सो अब हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, राइट। आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, मैंने आपको दिखे इसलिए बॉल पेन से ड्रॉ कर रही हूँ, राइट। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट हो गए और यहाँ पे आपको लाइन सेगमेंट का नाम ए एंड बी दिया है। सो वी हैव टू राइट हियर ए एंड सेकंड पॉइंट पे बी। तो ये लाइन सेगमेंट हमने कितने की ड्रॉ किए, 8 सेंटीमीटर। सो राइट हियर 8 सेंटीमीटर, राइट। तो फर्स्ट वन इज 8 सेंटीमीटर। पहले क्या करना है, 0 पे फर्स्ट पॉइंट, फिर 8 सेंटीमीटर करना है, इसलिए 8 जो आपकी स्केल पे लिखा हुआ वहाँ पे सेकेंड पॉइंट, फिर दोनों को ज्वाइन करना है और एग्जैक्टली 8 पे ही डॉट करना। अगर कुछ भी आगे पीछे होगा तो हमारा लाइन सेगमेंट रॉन्ग जाएगा, राइट। सो फर्स्ट वन क्लियर। नाउ नेक्स्ट एक्स वाई इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, राइट। तो आपको एक्स वाई कितनी ड्रॉ करनी है, 10। तो फर्स्ट व्हाट वी डू, पहले तो हम स्केल लेंगे, स्केल को प्रॉपरली रखेंगे, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट हम 0 पे करेंगे और सेकेंड पॉइंट 10 पे करेंगे। 10 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे ही, ये एग्जैक्टली वहाँ पे ही पॉइंट करना है। आपको दिख रहा है, देखो मैंने 10 लिखा वहीं पे पॉइंट किया। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, राइट। तो ये जो हमारी लाइन सेगमेंट ड्रॉ हमने लाइन ड्रॉ की है वो कितने सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर। और इसका नाम क्या लिखना है हमें, एक्स एंड वाई। तो फर्स्ट पॉइंट पे एक्स, सेकेंड पॉइंट पे वाई और सेंटर में हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, बिकॉज ये हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है वो 10 सेंटीमीटर की है। नाउ नंबर 3।
नंबर सी इज आर एस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, राइट। तो आर एस आपको कितनी ड्रॉ करनी है, 7 सेंटीमीटर। तो पहले स्केल हम प्रॉपरली रख देंगे, राइट। फर्स्ट पॉइंट जाएगा 0 पे और सेकेंड 7 पे, एग्जैक्टली 7 के पास ही पॉइंट करना है, राइट। चलो अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, राइट। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो 7 सेंटीमीटर की है, उसका नाम आपको क्या देना है, आर एंड एस। सो राइट हियर आर, यहाँ पे एस, और बीच में हम लिखेंगे 7 cm, राइट। सो दिस इज अ नंबर सी। नाउ नंबर डी, लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, राइट। आपको 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, तो ऑलवेज स्टार्ट कहाँ से होगा, फर्स्ट पॉइंट हम कहाँ पे करेंगे फर्स्ट हम 0 पे करेंगे और सेकेंड 1, 2 पे करेंगे, राइट। दो पॉइंट कर दिया, अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, राइट। इतनी सी हुई 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे P, सेकेंड पे Q और सेंटर में क्या लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर, राइट। सो दिस इज द डी। नाउ नेक्स्ट वन, अवर नेक्स्ट वन इज द ई, एम एन इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, राइट। तो आपको ये एम एन कितना का ड्रॉ करना है, 9 का। तो लाइन स्केल ले लो, फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे करेंगे हम, 0 पे, और सेकेंड पॉइंट 9 बोला इसलिए 9 जहाँ लिखा है स्केल में वहाँ पे, राइट। डॉट कर दिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। चलो इन दोनों का नाम हम क्या रखेंगे, एम एन। सो फर्स्ट पॉइंट पे एम, सेकेंड पे एन और 9 सेंटीमीटर, राइट। ई वन क्लियर। नाउ नंबर एफ, सी डी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो हम पहले तो पॉइंट कर लेंगे फर्स्ट पॉइंट 0 पे और सेकेंड पॉइंट 5 पे, राइट। अब हम दोनों को ज्वाइन कर देंगे और नाम क्या दे देंगे, सी एंड डी, और सेंटर में लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है वो 5 सेंटीमीटर की है, राइट। तो हमने आपको जो नाम माप दिया था वो हमने ड्रॉ कर दिया। अब उसके क्वेश्चन कुछ आपको नीचे दिए हैं, विच लाइन सेगमेंट इज द लॉन्गेस्ट, आपको ये फाइंड करना है कि इनमें से सबसे बड़ी लाइन सेगमेंट कौन सी है। तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी, ये 5 है, ये 9, ये 8, ये 10, 7 एंड 2। तो सबसे बिग कौन सी है लाइन सेगमेंट एक्स वाई। सो हम आंसर लिखेंगे लाइन सेगमेंट एक्स वाई इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी कौन सी लाइन सेगमेंट है। हमने बताइए सबसे छोटी कौन सी है, पी क्यू, कौन कितने सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर। सो आंसर इज लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, राइट। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, जो आपको सी डब्ल्यू एम प्रॉपरली करनी है, जैसे मैंने आपको लाइन सेगमेंट सिखाया वैसे ही, राइट। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर, थैंक यू।